बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। आज उमर फारूक रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला हमें जो कुछ अता किया उसमें सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह ने हमें अता की वो सब्र की दौलत अता की, क्योंकि सब्र ऐसा वस्फ है, वो नेमतें अगर अल्लाह तबारक व ताला दें तो भी सब्र की जरूरत है। आप कहेंगे उस वक्त कैसे नेमते हो तो शुक्र करें, नहीं, नेमतों में सब्र का मतलब यह है कि जब नेमते अल्लाह तबारक व ताला ने दिए हैं तो सब्र और तहम्मुल के साथ उन नेमतों को इस्तेमाल करें, ये ना कि उन दौलतों और नेमतों को इसराफ में इस्तेमाल करें, तबजीर में इस्तेमाल करें, जुल्म में इस्तेमाल करें और जब इसी तरीके से मासिद में इस्तेमाल करें, नहीं, बल्कि अब उसमें भी सब्र और तहम्मुल के साथ दौलत को इस्तेमाल करें। अल्लाह ने मनसब दे दिया, मनसब की सब्र तहम्मुल के साथ जो है उस मनसब को इस्तेमाल करें ताकि उससे किसी किस्म का जुल्म जाहिर ना हो। तो गोया कि सब्र की जरूरत तो नेमत में भी है और सब्र की जरूरत जो है मुशक्क़त और तकलीफ में भी है। इससे पीरान पीर शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं ये वो मनाजिल सब्र हैं, जब इंसान इन मनाजिल सब्र को पूरा करता चला जाता है तो फिर उसको हकीकत ज़िंदगी खोल देता है अल्लाह, उसके दिल की खिड़कियाँ खुल जाती हैं जहाँ वो दुनिया में जन्नत की हवाएँ महसूस करता है और निगाह झुकाता है तो गोया कि अपने अपने रब को पा लेता है, अपने रब को पा लेता है। जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली, दिल में है तस्वीरें यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली तो अपने दिल को देखता है तो अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत का चिराग उसमें रोशन नजर आता है।